हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विनी वानखेड़े और आप देख रहे हैं news.com। हैशटैग बॉलीवुड में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ चटपटी और मसालेदार खबरें। आज है श्लोका मेहता और आकाश अंबानी की शादी। आइए देखते हैं उनकी शादी की तैयारी की पहली झलक। और करीना कपूर क्यों हुई आंटी कहने से नाराज। इसी के साथ सोनाक्षी सिन्हा को 37 लाख की धोखाधड़ी में मिली बड़ी राहत। पूरी खबर के लिए देखें ये वीडियो। सर ऑल ऑफ यू ऑन राइट, सर राइट, सर 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 ऑल ऑफ यू ऑन राइट, ऑल ऑफ यू ऑन राइट, ऑल ऑफ यू ऑन राइट, सर सर इधर 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 इधर, नीता जी, नीता जी ऑन राइट, राइट 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 इधर, राइट इधर। करीना कपूर अपनी फिल्मों से ज्यादा बेटे तैमूर को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले तैमूर के साथ फोटो खींचने पर उन्होंने एक फैन को फटकार भी लगा दी थी। करीना वैसे तो कूल अंदाज में नजर आती है, लेकिन फैंस की उल्टी सीधी हरकतें देख करीना को गुस्सा आ ही जाता है। करीना कपूर वैसे तो सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन एक इंटरव्यू में कबूल कर चुकी हैं कि फेक नाम से उनका अकाउंट है और वो सब पर निगरानी भी रखती हैं। बता दें कि हाल ही में अरबाज खान के एक शो में करीना कपूर उन यूजर्स पर भड़क गई जो बिना किसी वजह से उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। शो के दौरान करीना को एक यूजर का कमेंट दिखाया जाता है, जिसमें वो करीना को सलाह दे रही होती हैं कि अब आप आंटी हो गई हैं, टीनेजर जैसे बनने की कोशिश मत करो। जिसके बाद करीना कहती हैं कि लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि सेलिब्रिटीज की भी फीलिंग होती है, उनके भी इमोशंस होते हैं। वो सोचते हैं सेलिब्रिटीज एक्टर और एक्ट्रेसेस की कोई फीलिंग नहीं होती, जिसके जो मन में आता है वो लिख देता है। सोनाक्षी सिन्हा अब गिरफ्तार नहीं होंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए धोखाधड़ी के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये मामला सिविल विवाद का है और उसी तरीके से इसे निपटाया जाए। सोनाक्षी के खिलाफ प्रमोद शर्मा नाम के व्यक्ति ने 22 फरवरी को मुरादाबाद के कटघर पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई थी। सोनाक्षी पर आरोप था कि उन्होंने 30 सितंबर 2018 के कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी थी और इसके लिए उन्होंने 37 लाख रुपए भी लिए थे और आखिरी समय में उन्होंने इस कार्यक्रम में आने से मना कर दिया, जिसकी वजह से कार्यक्रम आयोजक को भारी नुकसान उठाना पड़ा। न्यायमूर्ति नहीद अरा मुनीस और वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने निर्देश दिया कि पुलिस द्वारा इस मामले की जांच रिपोर्ट सौंपे जाने तक अभिनेत्री को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने ये निर्देश भी दिया कि सोनाक्षी जांच में सहयोग करेंगी और जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वो पेश होंगी। सोनाक्षी के करियर की बात करें तो फिलहाल वो कलंक फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं, जो कि 19 अप्रैल को रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान मुंबई वापस आ गए हैं। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर फोटोग्राफर्स ने करीब 8 महीने बाद स्पॉट किया। काफी वक्त पहले इरफान ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को बताया था कि उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर नाम की बीमारी है। वो काफी वक्त से विदेश में अपनी इस बीमारी का इलाज करा रहे थे। अब ऐसा लगता है कि उनका इलाज पूरा हो चुका है। वापस आने के दौरान एयरपोर्ट पर इरफान चेहरे पर रुमाल बांधे और सर पर हैट पहने नजर आए। ऐसा उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए किया। इरफान के वर्क फ्रंट की बात करें तो इरफान हिंदी मीडियम 2 में नजर आने वाले हैं। सलमान खान बॉलीवुड में अपनी दरियादिली के लिए काफी मशहूर हैं। सलमान का जैसा व्यवहार घर के बाहर होता है, वैसा ही व्यवहार उनका घर पर भी रहता है। सलमान अपने माता पिता के सबसे बड़े बेटे हैं, इसलिए घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर ज्यादा हैं। वो अपने घर के सदस्यों की बहुत इज्जत करते हैं,
वुमेन्स डे के मौके पर एक बार फिर सलमान खान का प्यार सोशल मीडिया पर देखने को मिला। सलमान ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की जिसमें वो अपनी दोनों माओ के साथ नजर आ रहे हैं। वैसे तो सलमान सलमा और सलीम खान के बेटे हैं, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ हेलन को भी उतना ही सम्मान और प्यार देते हैं। तस्वीर में सलमान खान के दाईं तरफ हेलन बैठी हैं, जबकि बाईं तरफ सलमा बैठी नजर आ रही हैं। सलमान की इस तस्वीर को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं, जिसे 10 लाख से भी ज्यादा लोग अब तक लाइक कर चुके हैं। तस्वीर को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीनों के बीच शानदार बॉन्डिंग है। हाल ही में सलमान खान ने फिल्म भारत की शूटिंग पूरी की है, जो कि इस साल ईद पर रिलीज होगी। तो यह थी हैशटैग बॉलीवुड की टॉप एंटरटेनमेंट न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही एंटरटेनमेंट न्यूज देखने के लिए देखते रहिए news.com।